मैं भूपेंद्र पांडे अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय भूपेंद्र सर में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहें। आप लोगों ने मेरा पिछला एपिसोड अटेंड किया होगा, टेंस एंड इंट्रोडक्शन, जिसमें मैंने टेंस के विषय में विस्तार से बताया है। उसके साथ ही मैंने बताया कि सब्जेक्ट क्या है, नंबर क्या है, पर्सन क्या है। डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक दैट यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल द कॉन्सेप्ट ऑफ टेंस। एज यू नो वेरी वेल दैट टेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। बट अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट सिचुएशंस, अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट पोजिशंस एंड स्टेटस ऑफ द एक्शंस, वी हैव टू डिवाइड दिस थ्री टेंसेज into four different parts, four different kinds. The first one is indefinite or simple, the second one is continuous, the third one is perfect, and the fourth one is perfect continuous tense. तो जैसा कि आपने देखा कि present tense, past tense और future tense सबको हम चार भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला होता है indefinite tense, फिर होता है continuous tense, फिर होता है perfect tense, फिर होता है perfect continuous tense. तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का जो पहला हिस्सा है, जो पहला भाग है, पहला प्रकार है, वह है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हम किन परिस्थितियों में करते हैं? रोज होने वाले हैबिचुअल एक्शंस के लिए, हमारी आदतों के लिए। जैसे आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे, मैं रोज मॉर्निंग वॉक पर जाता हूँ। फिर जो यूनिवर्सल फैक्ट हैं, जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उदय होता है या पूर्व से उदय होता है, ये हो गया। या फिर फ्यूचर में हमने कोई प्लान किया हुआ है कि हम यह काम करेंगे जो कि निश्चित है, जैसे कि राहुल लिव फॉर मुंबई टुमारो, राहुल कल मुंबई जाएगा। और इसके बाद एक कंडीशनल क्लास भी होता है, जैसे इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट थ्रू इन द एग्जामिनेशन, यदि आप कठिन प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, तब आप एग्जाम में पास हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे कंडीशंस हैं जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। हिंदी माध्यम वाले छात्रों को यह पहचानने में बहुत कठिनाई होती है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानेंगे। तो कैसे पहचानते हैं? जैसे राहुल रोज स्कूल जाता है, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, बच्चे पढ़ने जाते हैं, मतलब ता है, ते हैं, ती हैं, इस टाइप के जो एक्सप्रेशंस आते हैं ना हिंदी के आखिरी में, तब हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको एग्जांपल से आप भली भांति समझ पाएंगे। एक एग्जांपल मैंने लिखा है, राहुल इज प्लेइंग फुटबॉल। ये तो इसके आधार पर हम पूरा टेंस चार्ट को पढ़ेंगे, 12 स्ट्रक्चर्स को। इसी एग्जाम्पल को हम लेकर चलेंगे, हालांकि यह प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है, अभी हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसी एग्जाम्पल को लेकर चलता हूँ और एग्जाम्पल्स के आधार पे हम बनाएंगे स्ट्रक्चर। पहले हम लिखेंगे एग्जाम्पल्स, फिर हम आएंगे स्ट्रक्चर पे। एग्जाम्पल के आधार पे हमको स्ट्रक्चर डिराइव करना है, किसी टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए, तो इसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर तो पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर, उसके आधार पर आएंगे एग्जाम्पल के आधार पर। पहला देखते हैं, आई प्ले फुटबॉल, ये हो गया पहला। दूसरा हो गया, राहुल प्लेस फुटबॉल। देखिए एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ, यहाँ पर दो एग्जाम्पल इसी लेना पड़ा क्योंकि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसमें दो स्ट्रक्चर होते हैं। सिर्फ यह एक ऐसा टेंस है जिसमें दो स्ट्रक्चर होते हैं। आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, इंडेफिनिट है, कब खेलता हूँ, क्या करता हूँ, कुछ लिखा नहीं। दूसरा है राहुल प्लेस फुटबॉल, राहुल फुटबॉल खेलता है। चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल, बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। दे प्ले फुटबॉल, वे फुटबॉल खेलते हैं। इन दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं। यहाँ जो हमारा वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वी वन, और यहाँ पर ये वी फोर है, एस ई एस या आई एस लगा हुआ है। तो जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर रहता है, तब हमको मेन वर्ब में एस ई एस या आई एस लगाना पड़ता है। तो अभी मैं आपको और स्पष्ट करूँगा
इससे आप भली भांति समझ पाएंगे। तो इसके आधार पर हमारे दो स्ट्रक्चर होते हैं, ये तो हो गया था एग्जाम्पल। अब हमको दो स्ट्रक्चर देखने हैं, तो इसके दो स्ट्रक्चर देखते हैं क्या क्या होंगे। स्ट्रक्चर वन, स्ट्रक्चर वन क्या होगा देखिए, सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा, दूसरा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वी फाइव प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां आप देख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस वी वन मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहां हो गया राहुल इज द सब्जेक्ट प्लेज वी फाइव, अरे हो गया ऑब्जेक्ट। वी वन मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वी फाइव मतलब जब हम मेन वर्ब में एस ई एस या आई एस लिखते हैं। वी फाइव मतलब वी वन प्लस एस ई एस आई ई एस। तो ये जब दूसरा स्ट्रक्चर है, अब हम तब प्रयोग करते हैं जब हमारा जो सब्जेक्ट है वह थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर हो। और थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट मैं आपको पहले बता चुका हूं, थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर के जो सब्जेक्ट हैं ही सी इट या किसी का नेम हो या फिर सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर नाउन। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसमें दो स्ट्रक्चर होते हैं, पहला होता है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये देखिए सब्जेक्ट हो गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वी फाइव, वी फाइव जब हमको मेन वर्ब में ए सी ए से आई एस जोड़ते हैं फिर यह हो गया ऑब्जेक्ट। इसको मैं जरा और क्लियर कर दूं दूसरे वाले को, तब आप थोड़ा बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। तो ये वाला स्ट्रक्चर हमको तब प्रयोग करना है जब हमारा सब्जेक्ट जो होता है ये स्पेशल कंडीशन है, आप देख सकते हैं। जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो सिंगुलर नंबर हो, ही शी इट या किसी का नाम या फिर सिंगुलर नाउन, जो थर्ड पर्सन और सिंगुलर नाउन हो तब हमको जो मेन वर्ब है उसमें एस ई एस या आई एस लगाना पड़ता है। इसका हिंदी में कैसे पढ़ते हैं, आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, राहुल प्लेस फुटबॉल, राहुल फुटबॉल खेलता है। ये तो मेरे हिसाब से आप इसको समझ गए होंगे, बहुत ही आसान है। इन नॉर्मल कंडीशन वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, बट व्हेन आवर सब्जेक्ट इज दिस इज योर सब्जेक्ट, व्हेन आवर सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मतलब ही सी इट या कोई नाम हो या सिंगुलर नाउन हो, तब हमको ये वर्ब में एस ई एस या आई एस लगाना पड़ता है, यह हमेशा ध्यान में रखें। वी हैव टू एड एस ई एस और आई एस व्हेन आवर सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर नंबर, एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट्स आर ही शी इट एनी नेम और सिंगुलर नाउन। जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में हो सिंगुलर नंबर में हो जैसे ही सी इट और किसी का नाम, तब हमको मेन वर्ब में एस ई एस या आई एस लगाना पड़ता है। और इस प्रक्रिया को बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मतलब जो हमारा वर्ब है ना वो सब्जेक्ट से एग्री करना चाहिए, जो हमारा वर्ब है वह सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के हिसाब से होना चाहिए। सो वी हैव टू सेलेक्ट द वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और दिस इज अ डिफरेंट चैप्टर, ये अलग चैप्टर है जिसको मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। अब ये जो सेंटेंस है हम जो देख रहे हैं,
अब हमने अभी तक देखा अफर्मेटिव सेंटेंस, अभी जो सेंटेंस हमने देखा उसको बोलते हैं अफर्मेटिव, ए डबल एफ आई आर, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, जैसे ये इसको एक ही एग्जांपल देखते हैं, राहुल प्लेस फुटबॉल, और दूसरा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस आई प्ले फुटबॉल। ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब पॉजिटिव सेंटेंस, राहुल प्लेज फुटबॉल, राहुल फुटबॉल खेलता है, आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। अब इसको निगेटिव कैसे बनाना है हमको, या फिर हमको इंटरोगेटिव कैसे बनाना है, निगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव मतलब स्वीकारात्मक वाक्य, पॉजिटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन पूछना, और निगेटिव इंटरोगेटिव मतलब जिसमें निगेटिव भी हो इंटरोगेटिव भी हो। ये सब आप ध्यान में रखें। आपको मैं बता दूँ जो टेंस के आधार पर जब हम निगेटिव बनाते हैं ना किसी सेंटेंस का, तब उसके लिए हमको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है, हेल्पिंग वर्ब। जैसे राहुल इज प्लेइंग फुटबॉल, ये मैं लिखता हूँ। वर्ब दो प्रकार के होते हैं, यहाँ पर बेसिकली बता रहा हूँ आपको, इसके टेंस के आधार पर बता रहा हूँ। जैसे राहुल इज प्लेइंग फुटबॉल, ये हमारा सेंटेंस है, राहुल इज प्लेइंग फुटबॉल। तो राहुल तो वर्ब है, ये इज प्लेइंग ये वर्ब है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, इज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है और ये जो है मेन वर्ब है। तो जब हमको निगेटिव बनाना होता है या फिर हमको इंटरोगेटिव बनाना होता है, तब हम हेल्पिंग वर्ब की सहायता से बनाते हैं। लेकिन अगर हमको यहां पर इसको निगेटिव बनाना है इन सेंटेंसेस को, तो यहां पर हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वी डोंट हैव एनी हेल्पिंग वर्ब, सो दैट हियर वी आर अनेबल टू मेक दीज सेंटेंसेज निगेटिव और इंटरोगेटिव, और निगेटिव इंटरोगेटिव, दैट्स वाई वी हैव टू यूज टू हेल्पिंग वर्ब्स। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जहाँ हेल्पिंग वर्ब गायब रहता है और उस सेंटेंस को हमको निगेटिव बनाना है अथवा इंटरोगेटिव बनाना है, तब हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करते हैं। तो उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के दो हेल्पिंग वर्ब हैं, डू और डज, ये दोनों क्या हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब हैं, हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के दो हेल्पिंग वर्ब हैं, डू और डज। तो डू से कैसे, डू का प्रयोग हमको ऐसे सेंटेंस के लिए करना पड़ता है, आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, आई डोंट प्ले फुटबॉल, डू आई प्ले फुटबॉल, डू आई नॉट प्ले फुटबॉल, ये हो गया। और यहाँ पर देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर एस आ रहा है, प्लेज, ये प्लेस, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं मैं आप लोगों को यह बताना चाह रहा हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई सेंटेंस है उसको निगेटिव कैसे बनाते हैं, इंटरगेटिव कैसे बनाते हैं। निगेटिव और इंटरगेटिव बनाने के लिए हमको एक हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से नहीं है, तो हम डू और डज का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं। इसका देखें निगेटिव कैसे बनेगा, इस सेंटेंस का निगेटिव, राहुल डज नॉट, राहुल डज नॉट प्ले फुटबॉल, राहुल फुटबॉल नहीं खेलता है, ये हो गया। मैं यहां डू क्यों नहीं लगाया, डज क्यों लगाया हूं, डज इसलिए लगाया हूं क्योंकि ये जो हमारा सब्जेक्ट जो है हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है और यहाँ पे प्लेस आ रहा है, मतलब एस हमने यहाँ पे जोड़ा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर हमने डज लगाया हुआ है। सो ये हमको कब प्रयोग करना है, व्हेन द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर नंबर,
जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तब निगेटिव बनाने के लिए डज का प्रयोग करते हैं, राहुल डज नॉट प्ले फुटबॉल, और इसके लिए जरूरत नहीं है हमको। अगर हम इसको बनाते हैं, ये आई प्ले फुटबॉल का अगर मैं निगेटिव बनाता हूँ तो देखिए क्या करेंगे, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। डज का प्रयोग कब करना है, जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तब निगेटिव बनाने के लिए डज नॉट, इसको शॉर्ट फॉर्म में डजेंट बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म अगर इसको लिखना है हमको डज नॉट का, तो हमको लिखते हैं DOESNT, डजेंट, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एक साथ लिखते हैं डोंट। शॉर्ट फॉर्म में हमको लिखना है, स्पोकन इंग्लिश में हम ऐसे प्रयोग करते हैं डोंट, ये डोंट, डू नॉट मतलब डोंट। तो ये निगेटिव समझ गए होंगे कैसे बनाना है आपको। आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। तो अभी हमने देखा कि किसी सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो सेंटेंस को निगेटिव बनाने के लिए डू और डज नॉट का प्रयोग करते हैं। डू का प्रयोग हम सामान्य रूप से करते हैं और डज का प्रयोग हम कब करते हैं, डज का प्रयोग हम करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट जो होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है, तब डज का प्रयोग करते हैं। तो डू डज डिड, डू डज डिड का आपका प्रयोग जानना बहुत जरूरी है, और डू डज डिड के बाद जो भी आता है वर्ब फॉर्म मेन वर्ब, वह हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रहता है। जैसे कि आई डोंट प्ले फुटबॉल, जो प्ले है ना फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, वी वन है। राहुल डजंट प्ले फुटबॉल, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, आपको बता रहा हूँ मैं, कुछ स्टूडेंट्स ये कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखिए, जैसे राहुल राहुल डजंट प्ले फुटबॉल, तो यहां आपको डजंट आपने लिख दिया, तो यहां प्लेस लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप प्लेस लिख देते हैं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एस यहाँ पर आ चुका है डजंट में। तो ये आप हमेशा ध्यान में रखें, इसके बाद हमेशा ये जो वर्ब आता है हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है, तो ये आप ध्यान में रखें। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। अभी तक हमने देखा निगेटिव, अब हम देखते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, INTROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, हाउ टू मेक। उन्हीं दोनों एग्जांपल्स को हम देखते हैं। पहला हो गया डज राहुल प्ले फुटबॉल, डज राहुल प्ले फुटबॉल, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, क्या राहुल फुटबॉल खेलता है। अगर मैं खुद के लिए उसके लिए पूछ आई प्ले फुटबॉल का क्या हो गया, इंटरगेटिव क्या हो गया, डू आई प्ले फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल खेलता हूँ, डू आई प्ले फुटबॉल, ये तो ये हो गया इंट्रोगेटिव, प्रश्न पूछना है डज राहुल प्ले फुटबॉल, क्या राहुल फुटबॉल खेलता है। यहाँ डज आ गया तो यहाँ प्लेज नहीं लिखना है आपको, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखना है, वी वन लिखना है, डज राहुल प्ले फुटबॉल, आखिरी में आएगा क्वेश्चन मार्क, डू आई प्ले फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल खेलता हूँ, ये हो गया। अगर अब हम इनको बनाना है निगेटिव इंट्रोगेटिव, एक होता है निगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, देखिए बहुत ही आसान है मेरे हिसाब से, आप समझ पा रहे होंगे निगेटिव इंट्रोगेटिव। ये सब एग्जाम्स में आते हैं कि आप सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, सेंटेंस को बदलना, निगेटिव इंट्रोगेटिव मतलब जिसमें निगेटिव भी हो इंट्रोगेटिव भी हो। जैसे मैं पूछता हूँ मैं फुटबॉल खेलता हूँ, क्या मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ, राहुल फुटबॉल खेलता है,
क्या राहुल फुटबॉल नहीं खेलता है? इस टाइप के एक्सप्रेशन इसमें आते हैं। आई थिंक दैट यू कैन अंडरस्टैंड। फर्स्ट आई हैव एक्सप्लेन अफर्मेटिव, दैट इज पॉजिटिव सेंटेंस। सेकेंडली आई हैव एक्सप्लेन निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। एंड थर्ड निगेटिव इंटरगेटिव, द सेंटेंस वुड बी निगेटिव एंड इंटरगेटिव एज वेल। लेट अस सी, इसका एग्जाम्पल देखते हैं, इसी को बना के देखते हैं। डज, पहला एग्जाम्पल, डज राहुल नॉट प्ले फुटबॉल? डज राहुल नॉट प्ले फुटबॉल, हिंदी में बोलते हैं क्या राहुल फुटबॉल नहीं खेलता है? और अगर खुद के लिए बोले तो डू आई नॉट प्ले फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूं? डज राहुल नॉट प्ले फुटबॉल, डू आई नॉट प्ले फुटबॉल, ये आप देख सकते हैं। डज राहुल नॉट प्ले फुटबॉल, डू आई नॉट प्ले फुटबॉल, या फिर और शॉर्ट में बोलते हैं तो डजंट राहुल प्ले फुटबॉल भी बोल सकते हैं इसको। डजंट राहुल प्ले फुटबॉल, या डोंट आई प्ले फुटबॉल, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ये कंप्लीट होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एक बात आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि आप मेरे पढ़ाने के बाद भी कोई ना कोई बुक को जरूर रिफर करें। सो फार एज कॉम्पिटिशन एग्जाम्स आर कंसर्न, यू आर जनरली आस्क्ड टू ट्रांसफॉर्म अ सेंटेंस। मतलब कंपटीशन एग्जाम्स का जो पैटर्न है उसमें आपको अफर्मेटिव को निगेटिव बनाने, निगेटिव को इंटरगेटिव बनाने, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं आपको, है ना। तो आपको सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, इसके अंतर्गत मैं आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा, जैसे कि एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, और टू को हटाकर जैसे सो दैट लिखते हैं, अनलेस को हटाकर इफ नॉट लिखते हैं, इफ नॉट की जगह में अनलेस लिखते हैं, नो सूनर दैन, एज सून एज, मतलब जो भी आपके एग्जाम्स में इंक्लूडेड हैं दैट आई विल कम्प्लीट एंड आई विल टीच ईच एंड एवरी थिंग। एंड माई ये जो टीचिंग है मेरा हमेशा चलते रहेगा अनवरत रूप से, ओके, आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप दिस। लेकिन आपके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी तो मेरे लेटेस्ट वीडियोस आपको मिल पाएंगे। तो आपसे मेरी पुनः गुजारिश है कि आप इसको कंटिन्यूअसली देखते रहें, और इन बिटवीन जो चीज़ें एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो आपको बताते रहूँगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बता रहा हूँ, वो आप नोट कर लें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इन मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिशन एग्जाम्स दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन आर आस्क्ड। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। जैसे इसको बोलते हैं कंडीशनल क्लास, जो बात बताने जा रहा हूँ उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बता रहा हूँ मैं आपको, इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जो लोग तैयारी कर रहे हैं इसको देख लें, इसको ध्यान दें प्लीज, जो लोग कॉम्पिटिशन की तैयारी कर। जैसे इफ यू वर्क हार्ड, If you work hard, you will pass. If you work hard, you will pass. है ना यार, you will get through in the examination. तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा ना if you work hard, ये work है present indefinite tense में, और ये future indefinite tense में। तो इफ जो क्लाज है या फिर इफ या अनलेस जो भी होता है उसके साथ हमेशा आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकंड पार्ट भले आपका, आप अगर लिख देंगे इफ यू विल वर्क हार्ड, अगर आप लिख देते हैं एग्जामिनेशन में ऐसे आपके लिए आता है कि इसको या तो आप सुधार करो सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए, सपोज ये दिया हुआ है आपका सेंटेंस, जैसे इफ यू विल वर्क हार्ड, इफ यू विल वर्क हार्ड यू विल पास। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो नीचे दो सेकंड सेंटेंस लिखा हो ना, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है,
ये कंडीशनल क्लास है, इसमें कंडीशन बता रहा है, तो परीक्षा में आएगा तो ये गलत है। इफ यू विल वर्क हार्ड, ये देखिए ये भी सिंपल फ्यूचर टेंस है और ये भी सिंपल फ्यूचर टेंस है। तो इफ क्लास जो कंडीशनल क्लास है, जो कंडीशन बताता है, जो शर्त बताता है, वह हमेशा रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। मतलब यहां पर इफ यू वर्क हार्ड है ना, इफ यू डोंट रीच द स्टेशन इन टाइम यू विल मिस द ट्रेन। इफ यू डोंट रीच द स्टेशन इन टाइम यू विल मिस द ट्रेन। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गया, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट गेट सक्सेस। अनलेस यू वर्क हार्ड, जो वर्क विल नहीं होगा, अनलेस यू विल वर्क हार्ड नहीं होगा, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट गेट सक्सेस। तो ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं, तो मैं क्या है, बीच बीच में आप लोगों को जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो बताते जा रहा हूं, आपको नोट करते चलिए उसको। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा खत्म होता है, उसके बाद भी यदि आपको इसमें कुछ डाउट्स हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में प्लीज अपना कमेंट्स लिख दीजिए और मैं बहुत ही संजीदगी से उसको अटेंड करूंगा। आई विल गिव प्रिफरेंसेस टू ऑल योर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज एंड आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, बट देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, ऑलवेज कीप इन योर माइंड, सो यू हैव टू वर्क हार्ड विथ मी। लेट्स प्रोसीड, द सेकंड वन इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हम प्रयोग कब करते हैं, मतलब जो अगर हम कोई बात अभी जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो एक एक्शन है जो अभी जारी है, कब चालू हुआ है हमको पता नहीं है, कब खत्म होगा ये भी नहीं पता है। वी नो ओनली वन थिंग दैट द एक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन, मतलब हम जब बात कर रहे हैं, कोई काम चल रहा है और उसके बारे में बता रहे हैं, तो हम बोलते हैं, तब हम प्रयोग करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। इसके बाद दूसरी स्थिति है, कोई काम अभी तो नहीं चल रहा है लेकिन वास्तव में चल रहा है, जैसे कि अभी मैं कोई किताब पढ़ रहा हूँ फिलहाल, जैसे मैं महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है माई एक्सपीरियंस विद द ट्रूथ, सो आई एम रीडिंग माई एक्सपीरियंस विद द ट्रूथ, मतलब वर्तमान समय में अभी नहीं पढ़ रहा हूँ लेकिन आजकल मैं पढ़ रहा हूँ, ऐसी बातों को बताने के लिए हम प्रयोग करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, भविष्य में कोई घटना सर्टेन है, कोई काम सर्टेन, हमने डिसाइड कर लिया कि ये काम हम करेंगे, जैसे मैं कार खरीदने वाला हूँ, तो मैं भविष्य की घटना है, आई एम गोइंग टू बाय अ कार, मैं कार खरीदने वाला हूँ, तो ये फ्यूचर को रिफर कर रहा है या भविष्य के बारे में बात कर रहा है कि मैं कार खरीदने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू बाय अ कार, लेकिन यह कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो ऐसे बहुत सारे कंडीशंस हैं आपको किताबों में मिलेंगी, और इसके लिए मैं आपको सेपरेट एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करूंगा आप लोगों के लिए कि किस टेंस का प्रयोग कब करना है और किस टाइप के एक्सप्रेशंस टाइम वाले उसके साथ आते हैं, दैट विल बी सेपरेट वीडियो, बिकॉज माय टारगेट इज दैट यू शुड अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेल। इफ वंस यू हैव अंडरस्टूड द टेंस चार्ट एंड ऑल द एप्लीकेशंस ऑफ टेंस, अदर चैप्टर्स आर सो ईजी। Whenever I will teach you that voice and narration in any other chapters class, तो ये बहुत ही ईजी होंगे, इस चैप्टर को आपको ध्यान से समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कब करना है मैं बता दिया, इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। जो पहला एग्जाम्पल मैं हमेशा लेता हूँ तो वही है एग्जाम्पल जो मैंने पहले लिया हुआ था, राहुल इज प्लेइंग फुटबॉल। पहले मैं एग्जाम्पल बताता हूं फिर मैं आता हूं स्ट्रक्चर पे। देखिए, राहुल इज, इसी एग्जाम्पल को मैं लेकर चल रहा हूं, राहुल इज प्लेइंग फुटबॉल। राहुल नाम का एक लड़का है जो फुटबॉल खेल रहा है। राहुल इज प्लेइंग फुटबॉल, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। I am playing football. Third, children are playing football. ये तीन एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। हिंदी माध्यम के बच्चों को अगर पहचानना है
हाउ टू रिकॉग्नाइज, हाउ टू आइडेंटिफाई दैट दिस पर्टिकुलर सेंटेंस इज इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और आपको अपने दैनिक जीवन में बोलना भी तो कैसे बोलेंगे, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, राहुल फुटबॉल खेल रहा है, मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं. सो दोज हु वांट टू लर्न इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज, दोज हु हैव मदर टंग, दोज हु आर हैविंग मदर टंग, हु यूज हिंदी एज मदर टंग, दे कैन लर्न. जिनकी मदर टंग हिंदी है ना और अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो ये बहुत आसान तरीका है, ये आपको ध्यान में रखना. तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, मैं बता चुका हूँ कि एग्जाम्पल के आधार पर हम स्ट्रक्चर पे पहुंचेंगे. अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा. स्ट्रक्चर बनेगा, ये हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिंग एस प्लस, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आ रहे हैं आपके, ये हो गया सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो गया पहला, फिर हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब यहां पर तीन दिखाई दे रहे हैं, इज, एम और आर, प्लस वर्ब फॉर्म फोर्थ फॉर्म है वी फो, वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ये देखिए, तो आप अगर एग्जांपल्स याद रखते हैं ना तो बहुत ही आसान है टेंस चार्टों को याद रखना. मुझे भी याद नहीं रहता ये, मैं भी एग्जांपल के आधार पे आता. ये हो गया सब्जेक्ट प्लस इज एम आर हेल्पिंग वर्ब प्लस वी फोर, वी फोर मतलब आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. तो इस तरीके से आप टेंस चार्ट को याद करें, आप कभी जीवन में नहीं भूलेंगे. ओके, इट्स वेरी इजी, जस्ट रिमेंबर द एग्जांपल एंड व्हेन वी हैव टू यूज दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ टेंस. तो ये देखिए हमारा यह सब्जेक्ट हो गया. अब इज एम आर का प्रयोग कैसे करना है, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है उनके साथ इज होता है. थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही शी इट और एनी नेम आर सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, अगर सिंगुलर सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन प्रोनाउन है तो इज होता है, नाउन है तो ही इज, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, शी इज प्लेइंग फुटबॉल, राहुल इज प्लेइंग फुटबॉल, अ बॉय इज प्लेइंग फुटबॉल, ऐसे करते हैं. एम का प्रयोग हमेशा आई के साथ होता है, आपको पता है आई एम प्लेइंग फुटबॉल, एम का प्रयोग हमेशा एम के साथ होता है. और बाकी यू आर प्लेइंग फुटबॉल, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल, गर्ल्स आर प्लेइंग फुटबॉल, लाइक दैट. जो प्लूरल नंबर के जो सब्जेक्ट है उनके साथ आर लगता है, यू के साथ आर लगता है, वी के साथ आर लगता है, दे के साथ आर लगता है, बहुत आसान है, क्योंकि इसको बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा वैसे हमको हेल्पिंग वर्ब चूज करना है, ये बहुत आसान है. तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ऑल दिस सेंटेंसेस आर अफर्मेटिव सेंटेंस. और यहाँ पर हमारे पास ये देखिए हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है, इज एम आर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, तब हमको निगेटिव भी इन्हीं की सहायता से बनेगा. निगेटिव कैसे बनेगा, इसका निगेटिव राहुल इज प्लेइंग फुटबॉल, निगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा, मैंने पहला बता दिया है, बाकी मैं सिर्फ वर्बली बताऊँ आपको, इट इज़ वेरी मच टाइम कंज्यूमिंग. ओके, सो विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब वी कैन मेक अ निगेटिव सेंटेंस, एन इंट्रागेटिव सेंटेंस एंड निगेटिव एंड इंट्रागेटिव सेंटेंस. हेल्पिंग वर्ब की सहायता से हम निगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं और इंट्रागेटिव सेंटेंस बना सकते हैं और निगेटिव एंड इंट्रागेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं. तो मैं बना के बताता हूँ, ये सारे सेंटेंसेस हमारे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस हैं. ये जितने भी सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो सारे सेंटेंस हैं हमारे, ये सारे सेंटेंस हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव अफर्मेटिव हो गया. अब हमको अगर निगेटिव बनाना है, राहुल इज प्लेइंग फुटबॉल, राहुल इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल, चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल, चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, ये हो गया. और अगर हमको इंट्रोगेटिव बनाना है तो, इंट्रोगेटिव बनाना है तो कोई बहुत कठिन काम नहीं है. इज हेल्पिंग वर्ब को यहाँ रख दीजिए, इज राहुल प्लेइंग फुटबॉल, एम आई प्लेइंग फुटबॉल और चिल्ड्रन प्लेइंग फुटबॉल, ये हो गया इंट्रोगेटिव. क्वेश्चन कैसे, क्वेश्चन में कैसे कन्वर्ट करना है. और यदि हमको निगेटिव से इंट्रोगेटिव बनाना है तब कैसे करेंगे, इज राहुल नॉट प्लेइंग फुटबॉल, एम आई नॉट प्लेइंग फुटबॉल और चिल्ड्रन नॉट प्लेइंग फुटबॉल, और ये ऐसा हो गया. कैसे पढ़ते हैं, क्या मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँ, क्या राहुल फुटबॉल नहीं खेल रहा है, क्या बच्चे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं. तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस. आगे चलते हैं, इसमें कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देंगे तो मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा.
बहुत ही आसान है, मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आप लोगों को यह अच्छा लग रहा होगा। चलिए नया जोड़ लेते हैं। अब हम आते हैं परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। थर्ड वन इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस का जो तीसरा हिस्सा है वह है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग, एग्जांपल के आधार पे हम उस पर पहुंचेंगे। एग्जांपल देखिए, पहला राहुल हैज प्लेड फुटबॉल, दूसरा है आई हैव प्लेड फुटबॉल, आई हैव प्लेड फुटबॉल। मैं एक एग्जाम्पल लेकर इसलिए चल रहा हूँ ताकि आप भली भांति समझ पाएंगे इसको। ओके, आई एम डीलिंग विद मनी दीज एग्जाम्पल्स सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इन अ वेरी इजी वे। राहुल हैज प्लेड फुटबॉल, आई हैव प्लेड फुटबॉल। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कब करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हम करते हैं उन सभी घटनाओं के लिए जो अभी अभी खत्म हुए हैं रिसेंटली। इट मीन्स वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर ऑल दोज एक्शंस विच हैव जस्ट बीन फिनिश्ड। अभी अभी हाल में कोई काम हुआ है तब। और भी अलग अलग पोजिशंस में भी हम इसको प्रयोग करते हैं, जैसे कि आप किसी को 5 सालों से जानते हैं तो कैसे बोलेंगे, आई हैव नोन हिम फॉर 5 ईयर्स, मैं उसे 5 सालों से जानता हूँ। तो इस टाइप के जो एक्सप्रेशंस आते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। आई हैव रेड दिस बुक जस्ट नाउ, मतलब अभी हाल ही में मैंने यह किताब पढ़ी है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो इवेंट अभी अभी ख़त्म हुए हैं उसके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इसका मैं डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें पूरे डिटेल्स में चर्चा करेंगे कि किस टाइप के टाइम्स वाले एक्सप्रेशंस इसमें आते हैं, इनमें विच टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस विल बी इंक्लूडेड। सो फार एज टाइम इज कंसर्न दैट आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो देयर विद द हेल्प ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, आई विल मेक एवरीथिंग क्लियर। सो आई थिंक दैट दिस टेंस विल बी लास्टेड फॉर 2-3 एपिसोड्स फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, फॉर दैट यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग एंड यू विल कम टू नो वॉट एवर यू डिजर्व। तो राहुल हैज प्लेड फुटबॉल, हिंदी भाषी जो छात्र हैं कैसे समझेंगे, राहुल फुटबॉल खेल चुका है, चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है इसमें। आई हैव प्लेड फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ, ये बात हो गई। अब इसके आधार पे हमें इसका स्ट्रक्चर डिराइव करते हैं कि स्ट्रक्चर बनेगा कैसे। आप एक एग्जाम्पल को याद कर लीजिए, स्ट्रक्चर बनाना बहुत ही आसान है आपके लिए। स्ट्रक्चर हम कैसे स्ट्रक्चर तैयार करते हैं देखिए, इस एग्जाम्पल के आधार पर ही हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिए मैं कार्य लिखता हूँ, पता है मैं बता चुका हूँ पहले आपको। ये हो गया सब्जेक्ट हमारा, प्लस सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद क्या है हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास दो हैं, हैज और हैव। ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब V3, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो ये स्ट्रक्चर आपको ऐसे याद करना है। आई नो इट इज टू टफ जॉब टू रिमेंबर ऑल दीज स्ट्रक्चर्स, और मॉडर्न इंग्लिश का जो अप्रोच है ना स्ट्रक्चरल अप्रोच है, आपको स्ट्रक्चर को याद रखना है। और स्ट्रक्चर याद रखना कठिन काम है क्योंकि बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं, मैथमेटिक्स टाइप के फार्मूले हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर द एग्जाम्पल्स, बिकॉज आई रिमेंबर द एग्जाम्पल्स ओनली, मैं सिर्फ एग्जाम्पल्स याद रखता हूँ, उसके बाद मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ। तो ये आपने देखा सब्जेक्ट हो गया आई या राहुल, यहाँ सब्जेक्ट है, हैज और हैव यहाँ पर, हैज और हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, हैज और हैव, प्लस V3 प्लेड, प्लेड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और ये फुटबॉल जो है ऑब्जेक्ट है। अकॉर्डिंगली यू हैव टू मेक, ये है सेंटेंसेज, अफर्मेटिव सेंटेंस है पूरे। अब मैं बार बार सब चीज़ को लिखूंगा नहीं, आपको वर्बली बता देता हूँ। सो यू कैन गो थ्रू द बुक्स एंड यू विल अंडरस्टैंड, अफर्मेटिव मतलब अफर्मेटिव।
ये सभी सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस हैं, पॉजिटिव सेंटेंस हैं। इसको निगेटिव बनाना है तो यहाँ पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैज़र है। अच्छा हैज़र है वो कहाँ पर लगते हैं? सम ऑफ द टाइम्स स्टूडेंट्स आर ऑफन कन्फ्यूज व्हेन वी हैव टू यूज़ हैज़ एंड व्हेन वी हैव टू यूज़ हैव। कभी कभी बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं कि हमको हैज़ कहाँ पर लगाना हैव कहाँ पर लगाना है। तो जो सब्जेक्ट में बताया उसको हमेशा याद रखिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ही शी इट और एनी नेम और एनी सिंगुलर सब्जेक्ट, वी हैव टू यूज़ हैज़। उसके साथ हमको हैज़ लगाना है, जैसे ही हैज़ प्लेड फुटबॉल, शी हैज़ प्लेड फुटबॉल, इट हैज़ प्लेड फुटबॉल, राहुल हैज़ प्लेड फुटबॉल, अ बॉय हैज़ प्लेड फुटबॉल, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ। और जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है उनके साथ हमको लगाना होता है हैज़, बाकी सबके साथ लगाना होता है हैव। आई हैव प्लेड फुटबॉल, वी हैव प्लेड फुटबॉल, यू हैव प्लेड फुटबॉल, दे हैव प्लेड फुटबॉल, चिल्ड्रन हैव प्लेड फुटबॉल। आई थिंक इट्स क्लियर। हैज़ मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ही शी इट एनी नेम, इनके साथ लगाना हैज़, बाकी सबके साथ हैव। इट्स वेरी इजी, आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, बॉयज हैव, गर्ल्स हैव, दैट्स ऑल। अब हमको इसको बनाना है, ये हमने अफर्मेटिव देखा, निगेटिव बनाना है तो कैसे बोलेंगे? राहुल हैज़ नॉट, हैज़ के साथ नॉट लगा देंगे, निगेटिव हो जाएगा। राहुल हैज़ नॉट प्लेड फुटबॉल, आई हैव नॉट प्लेड फुटबॉल, तो निगेटिव हो जाएगा। इंट्रागेटिव बनाना है तो सिर्फ इसको सामने रख दीजिए। इंट्रागेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, हैज़ राहुल प्लेड फुटबॉल, क्या राहुल फुटबॉल खेल चुका है? हैव आई प्लेड फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ? और निगेटिव इंट्रागेटिव कैसे बनाते हैं? हैज़ राहुल नॉट प्लेड फुटबॉल, हैव आई नॉट प्लेड फुटबॉल, इट्स वेरी इजी। तो सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत जब इस टाइप के सेंटेंस आएंगे तब आप प्रयोग कर सकते हैं। इसमें एक और एग्जांपल बता देता हूं मैं, ये तो जनरल टाइप की बातें बताया हूं, तो कुछ बातें और हैं इसमें। जैसे एक इस टाइप का सेंटेंस आप पढ़ते होंगे कहीं कहीं, आई हैव नोन हिम, आई हैव नोन हिम फॉर 5 years, आई हैव नोन हिम फॉर 5 years। और दूसरा सेंटेंस इसी में देखिए, इसी को बता रहा हूँ ना, इसी का ही। ये पहला एग्जाम्पल हो गया, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है और एग्जाम्पल नंबर 2 है इसी का, आई हैव नोन हिम। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू, आई हैव नोन हिम सिंस 2016। ये मैं बता रहा हूं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां पर मैं इंपॉर्टेंट लिखता हूं तो आप समझ जाइए कि मैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज आपसे डिस्कस करने वाला हूं। वेन एवर आई राइट इंपॉर्टेंट, जस्ट कीप इन योर माइंड दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस समथिंग वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट आर ऑफन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। ओके, वंस योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर, यू कैन अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश सक्सेसफुली। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तब आप अंग्रेजी के प्रश्नों को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। तो यह भी गलत नहीं, आई हैव नोन हिम फॉर फाइव ईयर्स, मैं उसे 5 सालों से जानता हूँ। दूसरा है, आई हैव नोन हिम सिंस 2016, मैं उसे 2016 से जानता हूँ, 2016 से मैं किसी आदमी को जानता हूँ। ये सिंस आर फॉर, दिस वन इज फॉर एंड दिस वन इज सिंस। ये सिंस आर फॉर खाली इसमें भी नहीं आता, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी आएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी आएगा। सिंस आर फॉर कहीं पर आ रहा है, अब उसका डिफरेंस क्या है ना? बुक्स में भी आप पढ़ते होंगे फॉर, ये फॉर से क्या पता चलता है? फॉर से हमको पता चलता है पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम या फिर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ड्यूरेशन ऑफ टाइम यहां पर आप देख सकते हैं, फॉर 5 ईयर्स, 5 सालों से जानता हूं, है ना?
ऐसे ही 2 घंटे से जानता हूँ, 3 दिन से, इस टाइप के जो एक्सप्रेशन आते हैं फॉर, तो फॉर जो बताता है समय की लंबाई बताता है। मतलब इसको जानना कब से चालू किया था, 5 साल पहले से जान रहा है, 5 साल पहले उससे मुलाकात हुई थी। ओके, दे हैव मेट 5 ईयर्स अगो, सॉरी दे मेट 5 ईयर्स अगो, दे मेट 5 ईयर्स अगो, 5 साल से जानता है, मतलब 2016 से जानता है। तो सीन्स और फॉर में सिर्फ ये अंतर है, जैसे आपको मैं एक ड्राइंग करके बता रहा हूँ, आपको ड्राइंग से आप बहुत बेहतर समझेंगे। ये है, तो ये हो गया 2016, ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है, ये हो गया 2016, तो ये हो गया सीन्स, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम। और ये हो गया अभी 2021 चल रहा है, तो ये पूरा टाइम ड्यूरेशन हो गया, ये हो गया हमारा टाइम ड्यूरेशन। ये तो जब हम पूरे टाइम ड्यूरेशन की बात करेंगे तब यहाँ पे आता है फॉर, पूरे के बारे में बात करेंगे 5 साल, तो ये जो ड्यूरेशन जो टाइम है ना, ये पूरा 5 ईयर्स का टाइम है, ये जो 5 ईयर्स का टाइम है ये ड्यूरेशन हो गया। आप हमेशा याद रखिए, ड्यूरेशन हो गया 5 ईयर्स, ये हो गया ड्यूरेशन। तो जब हम पर्टिकुलर ईयर की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर सिंस मॉर्निंग, सिंस लास्ट मंडे, सिंस लास्ट नाइट, तब हम सिंस का प्रयोग करेंगे। ओके, अभी एक बार और बताऊंगा जब मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाऊंगा आपको। तो सिंस और फॉर में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यह 2021 लिखा है मैंने, ये टू, ये 2021 चल रहा है, 2021, तो ये हो गया। ये तो फॉर रिफर्स टू द पीरियड ऑफ टाइम और टाइम ड्यूरेशन, समय की लंबाई को बताता है, फॉर 3 डेज, फॉर 4 डेज, फॉर 5 मंथ्स, फॉर 5 ईयर्स। और सिंस जब आता है ना, सिंस 1999, सिंस 10 AM, सिंस लास्ट मंडे, सिंस लास्ट नाइट, सिंस लास्ट ईयर, लाइक दैट। सिंस और फॉर हमेशा एग्जाम्स में आते हैं और आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अगला टेंस देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, द लास्ट वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यह भी बहुत इजी है, इसका एग्जांपल देखते हैं। चलिए अपने दोस्त राहुल को बुला लेते हैं यहाँ पर, राहुल ये एग्जांपल बने देखते हैं अपन। एग्जांपल क्या है हमारा, देखिए एग्जांपल नंबर 1, राहुल हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल राहुल हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 3 आवर्स। राहुल हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 3 आवर्स। राहुल हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 3 आवर्स, ये हो गया। इसी को दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, राहुल हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 10 AM, सिंस 10 AM इन द मॉर्निंग, है ना, AM मतलब इन द मॉर्निंग ही है। तो सिंस और फॉर मैंने दोबारा यहाँ लिख दिया है, राहुल हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 3 आवर्स, राहुल 3 घंटे से फुटबॉल खेल रहा है, राहुल हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 10 AM, सुबह 10 बजे से फुटबॉल खेल रहा है।
मतलब द एक्शन हैज स्टार्टेड एंड द एक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन. हियर द एक्शन स्टार्टेड 3 hours ago. द एक्शन स्टार्टेड 3 hours ago एंड द एक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन. हियर द एक्शन स्टार्टेड एट 10 AM इन द मॉर्निंग एंड द एक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन. यहाँ पर काम कब शुरू हुआ है? 3 घंटा पहले शुरू हुआ है और अभी भी चल रहा है. यहाँ पर काम कब शुरू हुआ है? सुबह 10 बजे से काम चालू हुआ है, मतलब फुटबॉल खेलना चालू किया है, अभी भी खेल रहा है. सो वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस टू एक्सप्रेस दोज इवेंट्स और एक्शंस विच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड दे आर स्टिल गोइंग ऑन. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग हम ऐसी बातों को बताने के लिए करते हैं, ऐसी घटनाओं को जो पास्ट में शुरू तो हुए हैं लेकिन अभी भी चल रहे हैं. जनरली इसमें टाइम बताने वाले शब्द भी आते हैं. सीन्स और फॉर जैसे शब्द यहाँ पर प्रायः आते हैं, है ना, हमेशा नहीं, प्रायः, नॉट ऑलवेज बट ऑफन. सो लेट अस सी इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे. देखिए स्ट्रक्चर बनाना आपको सीखना है, इसमें आना चाहिए स्वयं से. अभी मैंने लिखा राहुल हैज बीन, अगर आई रहता तो हैव हो जाता. हैज और हैव का जो टेक्निक मैंने बताया वही रहेगा. आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 3 hours. आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 10 AM. आई हैव, वी हैव, सब ऐसे ही रहेगा. खाली मैंने हैज का बताया हुआ है, हैज और हैव. तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा देखते हैं, स्ट्रक्चर क्या होगा. सब्जेक्ट प्लस, या तो हैज है, तो यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हैज और हैव, हैज आर हैव. अगर मैं लिखता हूँ आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, अगर मैं राहुल की जगह में आई कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा? आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, वी हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, यू हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, गर्ल्स हैव बीन, बॉयज हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, गर्ल्स हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल. ठीक है, तो हैज और हैव दो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आते हैं. तो सब्जेक्ट हो गया, फिर हैज और हैव हो गया, फिर क्या देख रहे हैं आप, बीन आ रहा है, बीन, बीन हो गया. सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस वी फोर, वी फोर मतलब आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स आर फॉर, ये सीन्स सीन्स या फॉर. सीन्स हो गया या फॉर हो गया प्लस टाइम. ये जो टाइम बता रहे हैं फॉर 3 hours, ये टाइम हो गया 3 hours, 10 AM, ये सब टाइम. तो देखिए सब्जेक्ट प्लस हैज आर है प्लस बीन प्लस वी फोर, वी फोर मतलब आएंगी फॉर्म ऑफ द वर्ब. शुरू में बता चुका हूँ, मेरा पिछला एपिसोड देख लीजिएगा जो लोग मेरे इस एपिसोड में नए हैं ना. पिछला एपिसोड आपको आप लोग देखिए, टेंस इंट्रोडक्शन, टेंस एंड इंट्रोडक्शन, देर आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग वेरी नाइसली. तो मेरे जितने भी एपिसोड होंगे ना वो सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होंगे, कनेक्टेड होंगे. दैट्स वाई आई टेल यू टू रिपीट इट अगेन अगेन, वॉच माई ऑल द एपिसोड्स इन अकॉर्डिंग टू देयर सीरियल नंबर. तो इसका स्ट्रक्चर हो गया. आई वाला भी आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ, कुछ बच्चों को परेशानी हो सकती है इसलिए मैं उसको दोबारा लिख देता हूँ इसका एग्जाम्पल आई वाला भी, ताकि उनको कोई तकलीफ मत हो. ये एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ आई के लिए, तो आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 3 hours. वैसे ही अगर सीन्स लिखना चाहेंगे तो वही लिख सकते हैं, आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सीन्स 10 AM, बहुत आसान है. तो मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा. कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं प्रायः सीन्स और फॉर को आइडेंटिफाई करने के लिए आते हैं.
मतलब कहाँ सीन्स लगाना है, कहाँ पर फॉर लगाना है, वहाँ पर मिस्टेक्स रहेगा, उसको आपको सेंटेंस को इम्प्रूव करना है, उसको सेंटेंस को सुधारना है, फाइंडिंग एरर्स, कहाँ पर गलती है सीन्स और फॉर में। अच्छा एक बात और बता रहा हूँ मैं, अगर आप ऐसा सेंटेंस आपका एग्जाम में दिया हुआ तो गलत है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सीन्स और फॉर में बता चुका हूँ, और एक बहुत महत्वपूर्ण मैं बात बताने जा रहा हूँ, तो ये इंपॉर्टेंट है। मैं अगर इंपॉर्टेंट लिखा हूँ मतलब एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान दें। एक एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2, ये देखिए। जैसे मैंने राहुल का एग्जाम्पल बताया, अगर आप लिख देते हैं राहुल राहुल इज प्लेइंग फुटबॉल फॉर 3 आवर्स। अभी आपने लिख दिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, राहुल इज प्लेइंग फुटबॉल फॉर 3 आवर्स, तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत है। ये ऐसा एग्जामिनर कभी कभी आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, राहुल इज प्लेइंग फुटबॉल फॉर 3 आवर्स, सो दिस सेंटेंस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। ये सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, इसको आपको करेक्ट करना है, तो वही लिखना पड़ेगा जो सही है। तो सही सेंटेंस होगा राहुल हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 3 आवर्स। तो अगर एग्जामिनेशन में इस टाइप के एक्सप्रेशन आते हैं, राहुल इज प्लेइंग फुटबॉल फॉर 3 आवर्स, समटाइम्स द स्टूडेंट्स स्पीक लाइक दैट, समटाइम्स द स्टूडेंट्स स्पीक दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस, दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। ओके, सो वेन द टाइम इज गिवन, ये भी कंटिन्यूअस टेंस है, कंटिन्यूअस ये भी है, बोथ ऑफ देम आर कंटिन्यूअस टेंस, बट दे विल परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और जो हमारा प्रेजेंट सिंपल जो हो रहा था ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमको टाइम नहीं दिया रहता, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सिर्फ काम चलते रहता है, द एक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमको पता रहता है सिंस या फॉर पता रहता है कि एक्शन कब चालू हुआ और कितनी देर से चल रहा है। इट मीन्स जनरली इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वी यूज सिंस एंड फॉर टू रिफर टू टाइम विथ रिफरेंस टू टाइम। सिंस रिफर्स टू द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस 1993, सिंस 1998, सिंस लास्ट मंडे, सिंस लास्ट नाइट। एंड फॉर रिफर्स टू द ड्यूरेशन ऑफ टाइम, एक्सपेंशन ऑफ टाइम। सो आई थिंक दैट दैट्स ऑल फॉर टूडे, and I will continue with the next episode, and I will teach you past tense and the 4 parts of the past tense. Thank you all, please keep watching and stay tuned, and finally I request you again to subscribe my channel, and please don't forget to press the bell icon so that you can have all the episodes and you will get the notification as soon as I will upload any videos. Thank you so much.